कितना टाइम बात कर रहे हैं हम लोग? हाय काले, व्हाट्स अप? वेरी गुड इवनिंग। लाइव सेशन आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। चलो, बाकी जब तक हमारे यूट्यूब फैमिली और इंस्टा फैमिली जुड़ती है तब तक हम लोग एक बार लाइव भी कर देते हैं और बता देते हैं अपने दोस्तों को कि हम लोग लाइव आ गए हैं यहाँ पे। हाय हुसैन, हाउ यू बड़ी, कैसे हो आप? स्टार्टिंग आने का फायदा ये रहता है कि पता चल जाता है फटाफट कौन लोग आए हुए हैं। अभी ताले बाबा है, हुसैन आया, पता चलता एकदम से। जब सारे सारे लोग आने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लिया? कॉपीराइट फ्री इतना म्यूजिक अवेलेबल है। मैं खुद कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूट्यूब से निकालता रहता हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से मिल जाएगा। सो एक मिनट के लिए हम लोग अपनी इंस्टा फैमिली पे बता देते हैं कि वी आर लाइव, और यहाँ पे लिंक डाल देते हैं so that they can come and join us. Hi Shiva, what's up? Hi, hi Hussain, very good. All right guys, what's up? Very good evening. और I just wanted to tell you guys के हम लोग live हो गए हैं, और हमारा जो YouTube channel है ये मैंने लिंक नीचे डाल दिया है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारे यूट्यूब फैमिली के साथ। अगर आपके कोई सवाल है चैनल पे आके मेरे से पूछ सकते हैं। विकास, हाय, व्हाट्स अप? तो कोई सवाल जवाब है, आ जाओ फटाफट, ये पिन किया हुआ है चैनल का लिंक, यहाँ मिलके फिर बात करते हैं। जो टू 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 जो बड़े बड़े यूट्यूबर शॉर्ट वीडियो में छोटे छोटे से साउंड इफेक्ट करते हैं, वो कहाँ यार? वो आपको मिल जाएंगे, आप डालो ना फनी साउंड्स और ये सब साउंड्स डालो यूट्यूब पे, एक लंबे लंबे वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बहुत सारे साउंड्स मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से आराम से निकाल सकते हो। मैं खुद अभी मेरी रील्स वगैरह पे नोट करोगे, हम यूज़ कर रहे हैं साउंड वगैरह वहाँ से उठा रहे हैं, अब यू नो वो कुछ टाइपराइटर का साउंड, कुछ शॉकिंग साउंड, वो सब हम वहाँ से उठा रहे हैं, और रील्स के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। हाय फरदीन, कैसे हो ब्रदर, हाउ आर यू? कॉपीराइट फ्री वाला उठाना है तालेब, अगर आप कॉपीराइट फ्री नहीं उठाओगे, क्योंकि म्यूजिक बहुत अवेलेबल है, आपको स्पेसिफिकली लिखना है कॉपीराइट फ्री साउंड या कॉपीराइट फ्री यू नो म्यूजिक, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। फिर हमारे लिए जॉब है कोई आपका? यार अभी जॉब तो हमारे पास कोई भी नहीं है, हम अपने फोटोग्राफी एकेडमी फोटोग्राफी कोर्सेज जो है वो चला रहे हैं, तो ऐसा सच अभी कोई जॉब नहीं है। जब अगर कभी होगी तो हम जरूर पोस्ट करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे। बाकी आप लोगों का कैसा चल रहा है, कैसा पेज चल रहा है, हाउ यू गाइस डूइंग ऑन द पेज, ग्रोथ वाइज, व्यूज वाइज, कैसा सब चल रहा है? और अगर आपके कोई सवाल है इस सेशन पे आप मेरे साथ और पूछ सकते हो। हाय दर्शन, हाउ यू सर? मेरे मेटा वेटलिस्ट 2 मंथ से ज्वाइन हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक मेटा वेरीफाइड ऑप्शन नहीं आया। विकास यार, मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 3-4 महीने से कर रखा है वेरिफिकेशन का वेटलिस्ट ज्वाइन। सो आप, आई एम श्योर हम सब इंडियन कम्युनिटी वाले हैं यहाँ जो जुड़े हुए हैं, और आपको पता होगा कि कितनी सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, और कहना नहीं चाहिए, ये तो अभी भिंडी बाजार की तरह ब्लू टिक बिक रहा है, तो सबको चाहिए, शोबाजी सबको करनी है। मुझे पता है कि हमें ब्लू टिक लेने में कितना टाइम लगा था, कितना अच्छा काम करके वेरीफाई हुए हैं हम लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे और फेसबुक पे, तब ब्लू टिक मिला था जब वेरिफिकेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अब तो बांट रहे हैं ये लोग, सो वेट करना पड़ेगा, लाखों करोड़ों की जनता है, इंस्टाग्राम वाले पैसे कमाएंगे और सबको वेरीफाई करेंगे। सो वेट करो, हो सकता है अभी आपकी बारी ना आई हो, डेफिनेटली आ जाएगी। सो डोंट लूज होप, डेफिनेटली आ जाएगा। सर मैंने कर लिया है किसी ने, मैं यार समझ नहीं है कॉपीराइट वाला मेरे को सवाल आपका। सर मैंने इतने दिन से इंस्टाग्राम पे रील्स कर रहा हूँ पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सोच अच्छी रील्स बनाता हूँ फिर भी। यार अब मे भी हो सकता है कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा हो, आप ये चेक करो कौन सी रील्स आपकी ज़्यादा चली है, कौन सा वीडियो लोगों को ज़्यादा पसंद आया है, उस टाइप का जो कंटेंट है आप दोबारा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि
ऐसा नहीं है, अगर आप मेरी रील्स भी देखोगे सारी की सारी मिलियन पार नहीं होती है, सारी की सारी यू नो 2 मिलियन 20 मिलियन नहीं होती है, जो चलना होता है कॉन्टेंट वो चल जाएगा, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में, लाइव वीडियोस में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करी है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहो, रील्स रेगुलर डालो, ये मत देखो व्यू क्या आ रहा है, व्यू से कोई लेना देना नहीं है, व्यू अपने आप जब चलना होगा कंटेंट आपका चलेगा, आप तब क्या कहते हैं एकदम से देखोगे अकाउंट पे ग्रोथ बढ़ गई है, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, लाइक कमेंट बढ़ गए हैं, तो आप डालते रहो और भूल जाओ। इनफैक्ट मैंने आज ही अपनी स्टोरी पे डाला, मेरी एक रील मिलियन हो गई, कुछ 4 मिलियन हो गई, मुझे पता नहीं था, मैंने आज देखा कि यार मेरे इतने सारे लाइक कमेंट क्यों आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, तब पता चला कि ये 2-3 रील्स चल गई और मैंने उसको ना आज अपनी स्टोरी पे भी शेयर किया है। तो आप ज़रूर चेक करना स्टोरी पे जो मैंने शेयर किया, यू नो एकदम से ही सारी रील्स नहीं चल रही हैं, तो रेगुलर डालते रहो और भूल जाओ। सर जब इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिपोर्ट लगी है जब से बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, उससे पहले अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। यार इसका सलूशन यही है, एक नया अकाउंट बना लो। अगर अकाउंट शैडो बैन हो गया है, अगर इंस्टाग्राम वालों ने इस पर कुछ वो मार दिया, आपकी स्ट्राइक मार दी और बोल दिया भाई कि इसका अकाउंट सही नहीं है, तो उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी और हेल्प सेंटर पर जाके आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट यार किस चीज़ के लिए तालिब, अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हो, अगर फोटोशूट से रिगार्डिंग पूछ रहे हो या आप किस पर्पस के लिए कॉन्टैक्ट पूछ रहे हो। लेजिट गेमिंग, और लेजिट गेमिंग थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टू द चैनल। लेजिट गेमिंग ने भी 22 रुपीज़ चैनल के लिए सपोर्ट डाले, थैंक यू ब्रदर। कोई सवाल भी हो तो आप अपने यू नो गिफ्ट्स के साथ आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। लेजिट गेमिंग थैंक यू। सर YouTube न्यू अपडेट, YouTube का यार न्यू अपडेट अब यही है, रील्स बनाओ और शॉर्ट्स बनाओ दबा के। शॉर्ट्स के लिए बहुत ही सही चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ही बढ़िया। एक आज मैंने शॉर्ट का वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया, एडिट करते ही मैं जल्दी रिलीज करूँगा शॉर्ट का। फटाफट जितना हो सकता है करो। और YouTube अब क्या कर रहा है ना, हर बंदे को पैसा बांट रहा है, जैसे रील्स बोनस पे पैसा आया था वैसे शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन पे पैसा आ रहा है, तो उसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखें और यूट्यूब पर एक्टिव रहें। आप लाइव बने रहिए, अरे थैंक यू लेजिट गेमिंग, थैंक यू सो मच। सर 500 सब्सक्राइबर्स का जो आएगा 500 में मनी अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल 500 सब्सक्राइबर में नहीं कर सकते यार, यूट्यूब का मिनिमम क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर है और आपके 4000 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। सो इनफैक्ट आप सभी को पता है मेरा नया चैनल है, मेरा दूसरा चैनल जो है प्रवीण भट्ट फोटोग्राफी वाला, वो तो पहले से ही मोनेटाइज है। ये वाला जो है ये 4000 फॉलोअर कंप्लीट कर चुका है और अभी लास्ट वीक में ही इसकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। सो वी आर मोनेटाइज ऑन दिस चैनल ऑल्सो, और अब मेरे जो पुराने वीडियोज हैं उस पर सब पे अब हम लोग पैसे भी अर्न कर रहे हैं। थैंक यू लेजेंड, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू शिवा सो मच। कल ही देखा था, राइट। थैंक यू लेजेंड सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपका कोई सवाल है, मुझे पता आप पैसे डाले जा रहे हो, बट अगर कोई सवाल है आप अपने इनके साथ भेज भी सकते हो साथ में। तो आप लोगों के और कोई सवाल, इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क, कॉन्टैक्ट करने के लिए यार मतलब कॉन्टैक्ट किस सीन में आप करना चाह रहे हो, फोटोशूट बुक करना चाह रहे हो? मैंने अभी भी सवाल ही पूछा था, अगर आप फोटोशूट बुक करना चाहते हो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं। सर कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि शॉर्ट में बहुत कम पैसा होता है, यार शॉर्ट में कम पैसा होता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी एक शॉर्ट अभी चली थी, एक शॉर्ट एक वीडियो 2 साल पहले वो वीडियो बनाई थी और वो वीडियो बिल्कुल नहीं चली, ऑल ऑफ अ सडन अभी पिछले महीने सॉरी 2 महीने पहले मार्च में वो चली और 2 दिन के अंदर मेरे को 16,000 रुपीज़ दे गई थी, $200 दे गई थी। और आप मानोगे नहीं, एक वीडियो चला 20,000 रुपये मान के चलो, 16,000 मैं कह रहा हूँ 15,000 मान लो आप, एक वीडियो चला 15,000, अगर आपके महीने में शॉर्ट पे आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, रील्स बना रहे हो, अगर 5-6 शॉट आपकी चल जाती है तो आप सोचो लाख रुपए तक आप आराम से महीने के कमा सकते हो, अगर 20-25,000 एक रील से भी आने लग जाए आपको। सो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, लोग ज़्यादातर अब शॉर्ट पे ही आ गए, और जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे रेगुलर रील्स बना रहे हैं उसी कंटेंट को उठा के आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दो और शॉर्ट्स का चैनल बना लो। अरे बिल्कुल लेजिट गेमिंग, हम यही बैठे हैं यार, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप गिफ्ट कर रहे हो, हमें गिफ्ट डाल रहे हो चैनल पे, थैंक यू, हम यही बैठे हैं। क्या क्वेश्चन है लेजिट, प्लीज पूछिए आप।
थैंक यू बादशाह, थैंक यू इंस्पायर, अगर आप होते हैं मेरे से कंटेंट अच्छा लगता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को भी बोले ज्वाइन करने के लिए, ताकि हमारी जो ये नॉलेज है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। ओके, और कोई लोगों के सवाल जो मैं यहाँ पे हेल्प कर सकूँ आपको? इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया हुआ है अबू, थैंक यू सो मच सर। रील्स एडिट की ऐप पे करते सर? रील्स एडिट किस ऐप पे करते हो? यार मैं रील्स एडिट करता हूँ एक रील्स ऐप पे जो आईफोन पे अवेलेबल है, और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं VN और वीटा, ये दो ऐप हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। फ्री है, इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं, ट्रांजिशन बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, और अगर आप ऑन द गो हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर कहीं हैं, तो फ़ोन पे एडिट करने का इससे बढ़िया तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। कैपकट बेस्ट है यार, बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ वो सारी जगह अवेलेबल भी नहीं है, क्रैक करना पड़ता है, वैसे डाउनलोड करना पड़ता है, सो वो एक बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। बट यस, अगर फ़ोन पे बात करूँ, VN वीटा इज समथिंग विच आई पर्सनली यूज, बिकॉज आईफोन पे वो इजी भी है, और एंड्रॉयड पे भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, क्रिएटर दोस्त हैं जो ओप्पो या सैमसंग यूज़ करते हैं, तो वो भी उसको यूज़ करते हैं अपने फ़ोन पे। बाकी आई होप आप लोग रेगुलरली अपना कंटेंट डाल रहे हैं। सवाल अगर कोई है दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि सेशन हम लोग लंबा रखें, सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेशन हम जल्दी ख़त्म कर दें तो जल्दी ख़त्म कर देंगे, बिकॉज मुझे ज़्यादा सवाल आज मिल नहीं रहे हैं। या तो आप सारे बहुत प्रो हो गए हो अपने एडिट्स में और अपने रील्स में। सर अपनी शॉर्ट वीडियो कौन से ऐप से एडिटिंग कर रही है? मैंने अभी बताया VN और वीटा, ये दो हैं ऐप जो मैं यूज़ करता हूँ, और अगर कभी मैं लैपटॉप पे रहता हूँ तो उसको मैं FCP पे यूज़ करता हूँ, FCP पे एडिट करता हूँ, सो वो बढ़िया। बट हाँ, फ़ोन में ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, शूट पे हैं, तो ये फ्री ऐप्स जो हैं VN वीटा जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही कमाल की है। सर मेटा वेरीफिकेशन के लिए $24 मांग रहे हैं आपने, लेकिन कहा 699 पर मंथ है। 699 ही है ब्रदर, आपको शायद इंडियन गवर्नमेंट का पता नहीं है क्या इंडिया में इन्होंने रिलीज़ किया है, या आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर विद प्रूफ मैंने दिखाया है कि कितने पैसे आपके डैशबोर्ड में आएंगे मांगेंगे। सो एक बार वो वीडियो जो है आप दोबारा देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने पैसे दे के आपको वेरीफिकेशन। और आज मैंने एक ना प्रॉपर एक वेरीफिकेशन के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी आप लोगों के लिए, मैं काम करता हूँ, वो दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कैसे ब्लूटिक का जो पूरा सारे जो मेन डाउट्स हैं आपके, इस वीडियो के साथ आपके कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने स्पेशल चार वीडियो की प्ले लिस्ट बनाई है, सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं इससे आपके, ये आप ये लो, आपको ये इस वाले वीडियो से चेंज डेफिनेटली आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं ना, सारे ये सेट हो जाएंगे। थैंक यू शिवा, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर रेगुलर आ रहे हैं, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट बहुत रेगुलर बना रहे हैं, और आई होप आप ये सारी जो हमारी टिप्स हैं आप फॉलो भी कर रहे हैं। और ये मैंने पिन कर दिया मैसेज गाइस, ये आज ही चेक करना, वीडियो ऊपर टॉप पे, ये प्लेलिस्ट है चार वीडियोस की ब्लू टिक की। हाय राज पंडित, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर, इन प्रमोशन के लिए क्या कर सर? गुड इवनिंग, इंस्टा पे प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं? इंस्टा पे प्रमोशन के लिए यार आप कॉन्टेंट बनाओ, एक रील रोज आनी चाहिए, फॉर श्योर एक रील आनी चाहिए, और रेगुलर स्टोरीज डालो, कम से कम 3 या 4 बारी स्टोरी आपने दिन में डालने, जिसके अंदर आपको खुद दिखना चाहिए, थोड़ा कनेक्ट बनाओ अपनी ऑडियंस के साथ, कनेक्ट बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। सर ये आपके हैट पे PB कौन सा ब्रांड है? अरे भाई ये मेरा अपना खुद का ब्रांड है, प्रवीण भट्ट ब्रांड है, और मेरे जितने भी कैप्स हैं आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बहुत शौक है, मैं बनवाता रहता हूँ, कस्टमाइज करवाता रहता हूँ, सो या डिफरेंट कलर्स, एंड बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सर ये मर्चेंडाइज स्टार्ट कर दो, हमें PB कैप्स और PB टी शर्ट्स चाहिए, सो अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट यस जब होगा ज़रूर आपको बताएंगे। सर अपने YouTube शॉर्ट कौन से टाइम पर अपलोड करें? YouTube शॉर्ट यार आपको ना पहले 4-5 दिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब मैंने शॉर्ट्स डालनी शुरू की, मैंने दिन में सुबह और शाम को डालना शुरू किया, और बीच में मैंने सुबह दोपहर शाम डालना शुरू किया, बिकॉज मेरे पास पहले इंस्टाग्राम का इतना कंटेंट था, सो मैंने हफ्ता डाला,
और मैंने देखा कि कौन से वाले कंटेंट पे ज़्यादा मेरे को इफेक्ट पड़ा, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शाम वाले में मेरे को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, तो मैंने शाम को डालने लग गया। बीच बीच में मैं सुबह भी डालता हूँ, लेकिन हर बंदे की ऑडियंस अलग है, हर बंदे का जॉनर अलग होगा, आपका कंटेंट अलग होगा, तो इस हिसाब से आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आपको सूट कर रहा है, फिर आप डालो। अबू सलीम सर, यूट्यूब शॉर्ट पर 1 लाख व्यू पर कितना मिलता है? यार 1 लाख व्यू पे शॉर्ट पे तो कुछ भी नहीं आएगा, बट यस जब आप मिलियंस में टच करोगे, जैसा मैंने बताया, मिलियंस में आपको फिर हजारों में 15-20 हज़ार तक, 25 हज़ार तक भी आपको मिनिमम जो है मिल सकता है। 4 हज़ार घंटे का वॉइस टाइम या वॉच टाइम गायब हो गया, ये बताना मेरे को आप। ओके, और सवाल, अगर वॉच टाइम गायब हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा, रिपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे, और ये भी देखो कि कहीं आपने फेक वॉच टाइम तो नहीं लिया था, क्योंकि अगर आप फेक चीज़ें ले रहे हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, सबको पता रहता है कि क्या चल रहा है, सो उन चक्करों में मत पड़ना। अगर कोई लोग आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं या यूट्यूब पे बोला हम आपको ये दिला देंगे, लाइक्स दिला देंगे, कमेंट दिला देंगे, तो वो मत करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अकाउंट चेक करो। ओके, अकाउंट चेक करते हैं कि एक दो लोगों के अकाउंट चेक करते हैं, मुझे अपना यूज़र आईडी बताओ, फिर मैं चेक करके बताता हूँ कि क्या चल रहा है उसमें। तो 4 हज़ार घंटे का वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर का तक, खुल गया तो बढ़िया, आपको मेल आएगा जैसे आपके 4 हज़ार घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है अपने मेल पे, और मेल पे आपको आ गया होगा कि आप अब एलिजिबल हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और अगर आप डैशबोर्ड में भी जाएंगे, यूट्यूब के डैशबोर्ड में जाएंगे, अर्निंग्स में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा आपको अपने अकाउंट डिटेल्स कनेक्ट करने के लिए। इंस्टाग्राम वॉच टाइम से क्या फ़ायदा है? विकास देखो, मुझे क्या लग रहा है ना, अभी भी अब जो अगर आप यूट्यूब का एल्गोरिदम समझोगे, यूट्यूब आपको किस हिसाब से पैसे देता है, सारे क्रिएटर्स को जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, आपको देखा होगा वीडियोस से पहले ऐड आती है, वीडियोस के बीच में ऐड आती है, और जितना वॉच टाइम लंबा है, जितने लोग आपके वीडियोस देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे भी मिलते हैं उन एड्स के थ्रू। तो अब मुझे क्या लग रहा है ना कि आने वाले टाइम में, मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि रील्स बोनस जब चालू होगा अभी दोबारा, उसका भी ना कोई क्राइटेरिया होने वाला है लाइक यूट्यूब के, भाई इतने घंटे होंगे या इतने मिनिमम सब्सक्राइबर चाहिए होंगे, इतने वॉच आवर चाहिए होंगे। जैसे अब यूट्यूब का 4 हज़ार घंटे का वॉच आवर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे, सो मे बी इंस्टाग्राम पे भी कुछ आने वाला है, तभी उन्होंने वॉच आवर जो है वो शुरू किया है। प्राइस क्या है कैप का? अरे लेजेंड गेमिंग अभी कोई प्राइस नहीं रखा है, मेरी पर्सनल कैप्स है, अभी मैंने इसको मर्चेंडाइज चालू नहीं किया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। फिलहाल मैं एक प्लान कर रहा हूँ गिव अवे करने का, मेरे जितने क्रिएटर फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़े हैं, मैं सोच रहा हूँ एक माइक गिव अवे करूँ, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड होंगे माइक गिव अवे के लिए? 1 नंबर डालना नीचे कमेंट सेक्शन में, इधर चैट पे 1 डालना अगर आपको माइक चाहिए रहेगा, एक माइक का गिव अवे करता है। शिवा का आ गया 1। ओके, कितने लोग हैं? अरे तालिब ने भी बोल दिया गिव अवे के लिए, राइट। ओके, देखो एक गिव अवे ये है कि जिसपे हम लोग माइक देंगे, और एक गिव अवे हो रहा है कि जिसपे हम एक मीटअप रखते हैं, जितने हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फैंस, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 दबा दो, माइक इंपॉर्टेंट है तो 1 कर दो, मेरे से मिलना बैठ के बात करना तो 2 नंबर दबा दो, फिर एक मीटअप का प्लान करते हैं कहीं पे। अरे वाह, इतने सारे हमारे लोगों ने बोल दिया, वैसे अभी भी 1, 2, 3, 4, 5 माइक वाले अभी भी ऊपर है, माइक लोगों ने 4 डाला हुआ है, ये भी 4 लोगों ने बोला हुआ है, तो अभी टाई चल रहा है, टाई हो गया है, बट हाँ जल्दी कुछ मैं सोच रहा हूँ कि एक मीटअप किया जाए जहाँ पे हम लोग हमारे यूट्यूब फैमिली से, इंस्टाग्राम फैमिली से लोगों से मिले, और उनके जो सवाल जवाब हैं हम डायरेक्टली बैठ के बात करें। और सवाल दोस्तों आपके बिफोर वी एंड दिस सेशन सर? मैं तो बहुत दूर से हूँ, मुझे एक ही ठीक लग रहा है। सही है भाई, फिर माइक के लिए लड़ेंगे, माइक के लिए हम लोग करेंगे एक प्रॉपर गिव अवे, देखते हैं किसको मिलता है, वो एक प्रॉपर फुल ऑन चैलेंज रखते हैं कि कॉन्टेस्ट सा करते हैं, प्लान करता हूँ। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ शूट्स पे और ट्रैवल में, तो प्लानिंग करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जल्दी।
और बाकी अगर आज आप लोगों के कोई सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन रैप अप दिस सेशन। आई होप आज की जो नॉलेज है आप लोगों के काम आई हो, जितने भी हमारे इंस्टा और यूट्यूब से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हैं तो अगले सेशन पे हम लोग कुछ ज़रूर ज़रूर नया लेके आएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल शिवा, मेरा प्लान बिल्कुल ही रहता है आप लोगों के साथ लाइव आने का, रेगुलर आने का, और बस शूट की वजह से बिजी हो जाते हैं, ट्रैवल की वजह से बिजी हो जाते हैं, तो हम रेगुलर प्लान करेंगे। इंस्टाग्राम ग्रुप पर हम मैसेज नहीं कर पाते हैं। अरे इंस्टाग्राम जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है वो इसीलिए है कि सिर्फ जो यूज़र है वो आपके साथ अपडेट्स शेयर कर सके, ना कि आप लोग भी उस पर। बिकॉज सोचो यार, अगर हम जितने भी लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए कितना अनोइंग हो जाएगा कि सारा दिन मैसेजेस बज रहे हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट चैनल इंस्टाग्राम ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को माइंड में रखते हुए बनाया कि आप अपने फैंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिहाइंड द सीन्स मैसेजेस, वॉइस नोट्स, पोल्स, ये सारी चीज़ें कर सकें। सो ये बड़ा यू नो यूज़र्स के लिए ही, क्रिएटर्स के लिए ही रखा हुआ उन्होंने। थैंक यू विकास, आई होप यू इन्जॉयड। और गाइज आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे रैप करते हैं। अबू किंग बॉयज लेजेंड गेमिंग, थैंक यू सबको लाइव आने के लिए, और ऐसे ही जुड़ते हैं रेगुलरली अपने लाइव सेशन पे, और रील्स रेगुलर देखो, सेव करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हों। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी, राइट। Thank you so much guys for being a part of today's shoot. Love you guys so much. Thank you Abu. Love you. Love you legit. We'll meet you guys soon. Okay. Take care. Bye.